नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये लास्ट पार्ट है चैप्टर वन का, एनसीईआरटी 11th क्लास की हिस्ट्री चल रही है। जल्दी से उसको ख़त्म करते हैं। केव पेंटिंग्स एट आल्तामीरा, एक अच्छी सी कहानी है। एक बाइजन की ये ड्राइंग है, आल्तामीरा नाम की जगह पे, नॉर्दर्न स्पेन में पड़ता है ये आल्तामीरा। ऊपर जब यूरोप का मैप मैंने आपको दिखाया था तो वहाँ पर आल्तामीरा नाम की लोकेशन भी मैंने आपको दिखाई थी। पिछले वीडियो में ऑलरेडी वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ पर टाइम नहीं बर्बाद करूँगा। आल्तामीरा केव साइट है स्पेन में, ठीक है भाई। इसकी सीलिंग पे जो पेंटिंग्स थी वो पहली बार किसकी अटेंशन में आई, तो एक मार्सेलिनो सैंस डी सौतुला नाम के लोकल लैंडलॉर्ड थे और एमेच्योर आर्कियोलॉजिस्ट थे। इनकी ये एक्चुअली में खुदाई कर रहे थे, लोकल लैंडलॉर्ड थे, वहीं रहते थे, थोड़ी बहुत आर्कियोलॉजी कर लेते थे। इनकी डॉटर थी मारिया। नवंबर 1879 में इनकी डॉटर और ये वहीं कहीं होंगे, तो इनकी लिटिल गर्ल इनके पास दौड़ते हुए आई, चिल्लाते चिल्लाते कि मतलब क्या बोला, ठीक है, शी वॉज एक्चुअली प्लेइंग देयर, ओके। और उसके फादर फ्लोर को डिग कर रहे थे। जब इसकी डॉटर ने पेंटिंग्स को देखा तो उसने बोला, लुक पापा ऑक्सन, मतलब कि फादर देखिए यहाँ पे एक ऑक्सन है। शुरुआत में तो उसके फादर को लगा कि अरे भाई यहाँ पे कहाँ से ऑक्सन हो जाएगा। बाद में इसने देखा कि भाई कुछ पेस्ट टाइप का इस्तेमाल करके एक पेंटिंग यहाँ पे बनाई गई, तो बहुत एंथुजियास्टिक हो गए यहाँ पे। रीजन बींग ये भी एक एमेच्योर आर्कियोलॉजिस्ट थे और इनको पता चल चुका था कि इन्होंने बहुत बड़ी चीज़ पकड़ी है यहाँ पे। और ऑब्वियस ही बात है, आर्कियोलॉजिस्ट का ये एक सपना होता है कि वो कोई बहुत ज़बरदस्त डिस्कवरी करे। जैसे कि मैंने लुइस लीके के बारे में बताए थे कि जब उनको उनका मैन मिल गया था, मतलब पुराने मैनों के स्केलेटन्स मिल गए थे, तो वो कितने खुश हुए थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, जैसे आपके लिए यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना एक अचीवमेंट होगा, इनके लिए ऐसी कोई डिस्कवरी करना एक अचीवमेंट होता है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पर्सन, आप कह सकते हो मार्सेलिनो सैंस डी सौतुला, जब इसको इस इमेज के बारे में पता चला, अपनी एक बुकलेट छापी इन्होंने इसके ऊपर, लेकिन इनकी फाइंडिंग्स को डिसमिस किया यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट ने। यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला कि ये जो पेंटिंग्स हैं ये एंशियंट नहीं है, तो तुम जो ये थ्योरी दे रहे हो ये थ्योरी गलत है, लेकिन इनकी थ्योरी सही थी। उसके बाद आप देखोगे 100 पेंटिंग्स मिलेंगी, हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स पाई जाएंगी बिटवीन 30,000 ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो। कहाँ पाई जाएंगी, इन द केव्स ऑफ लेस्कॉक्स, शॉवेट, ये दोनों फ्रांस में, आल्तामीरा स्पेन में। यहाँ पे बाइजन्स, हॉर्सेस, हाईबैक्स, डियर्स, मैमोथ्स, राइनोस, लोयंस, बियर्स, पैंथर्स, हाइनास और आउस, इनकी इमेजेस इन पेंटिंग्स में साफ साफ नज़र आती हैं। इन पेंटिंग्स के बारे में और भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, कुछ सवालों के जवाब हैं, कुछ सवालों के जवाब नहीं हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मेरे जो भी लेक्चर्स मैंने बनाए हैं उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, किसी ना किसी प्रकार से आपकी जुड़ने की कोशिश करूँगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस पर्टिकुलर लेक्चर की नोटिफिकेशन, मेरे बाकी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। फिर आगे बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस रेज हुए हैं। तो देखिए, कुछ इलाकों में पेंटिंग्स मिली हैं, कुछ केव्स में पेंटिंग्स मिली हैं, कुछ केव्स में कोई पेंटिंग नहीं मिली, इसकी क्या वजह है। कुछ जगहों पे एनिमल्स की पेंटिंग है, कुछ जगहों पे एनिमल्स की बिल्कुल पेंटिंग नहीं, किसी और ही चीज़ की पेंटिंग है। कुछ आप देख सकते हो कि पेंटिंग्स मैन की इंडिविजुअली पाई गई हैं, कुछ पेंटिंग्स मैन की ग्रुप्स में पाई गई हैं। आप देखो, जब भी वुमेन की पेंटिंग बनी है तो वो केवल ग्रुप्स में बनी है, तो इसके एग्जैक्ट रीजन नहीं है कोई। आप अगर आप आइडिया से रीज़न दो तो ये बोला जा सकता है कि मैन की चलती होगी, तो इंडिविजुअल मैन जो इम्पोर्टेंट रहे होंगे उन्होंने अपनी पेंटिंग बनवा ली होगी, वुमेन नहीं बनवा पाई होंगी। ग्रुप्स में तो सबकी पेंटिंग बन जाती। फिर जब भी मैन की पेंटिंग बन जाती थी तो अक्सर कर उनके पास एनिमल्स दिखा दिए जाते, जब भी वुमेन की पेंटिंग बनती थी पास में कोई भी एनिमल नहीं दिखाया जाता था। तो इन सब चीज़ों के एग्जैक्ट कारण आज तक नहीं मिल पाए हैं। बहुत सारे अलग अलग एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की गई है, बट कोई परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं दिखा गया। बट इन पेंटिंग्स एग्जाम पे एक चीज़ पता चलती है, इंपॉर्टेंस ऑफ हंटिंग पता चलती है। कहीं ना कहीं ये जो एनिमल्स की पेंटिंग थी, इट वॉज एसोसिएटेड विद रिचुअल, इट वॉज एसोसिएटेड विद मैजिक। तो अब रिचुअल मैजिक तो देखिए उस समय एक सोसाइटी में होगी, आज की सोसाइटी में जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, लोगों की सोच इतनी एडवांस हो गई है, तब इतना रिचुअल और मैजिक हो रहा है। तो उस समय की सोसाइटी में तो वैसे भी ऐसी दकिया उसी ख्यालात और भूत प्रेत की बातें हुआ करती होंगी। फिर कहीं ना कहीं एक्ट ऑफ पेंटिंग को अचीवमेंट की तरफ दिखाया जा सकता है, तो एक सक्सेसफुल हंटिंग एक्सपेडिशन को डिस्क्राइब करने के लिए पेंटिंग से डिपिक्ट किया जा सकता है। फिर आप देखोगे कि ये जो केव्स होती थी, देवर बेसिकली मीटिंग पॉइंट्स फॉर स्मॉल ग्रुप्स, तो छोटे छोटे ग्रुप्स इन केव्स में जाके मिला करते थे।
तो भाई पीपल्स के लिए आप कह सकते हो कि ये केव्स मीटिंग पॉइंट्स थी। तो जब ये ग्रिफ्स यहाँ पे मिलते होंगे तो इन पेंटिंग्स के थ्रू इन लोगों को समझाने की कोशिश की जाती होगी तुमको हंटिंग कैसे करनी है। फिर आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इन पेंटिंग्स के दम पे, इन इनग्रेविंग्स के दम पे एक पीढ़ी अगले पीढ़ी को अपना मैसेज दे सके, हो सकता है इसलिए पेंटिंग बनाई जाती हो। तो पेंटिंग के बनाने के नाना प्रकार के रीज़न हो सकते हैं। एक जो सबसे आप कह सकते हो आसान रीज़न ये है कि लोगों को एक्चुअली में पेंटिंग बनाने में मज़ा आ रहा हो। आज की डेट में बहुत सारे पेंटर्स हैं, बहुत सारे लोगों का प्रोफेशन पेंटिंग है, बहुत सारे एस्पायरिंग पेंटर्स हैं। पेंटिंग करने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए, लोग अपने मन से भी करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये सब जो अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में है, हमको थोड़े बहुत आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, थोड़े बहुत नहीं मिले, कुछ हम जानते हैं और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम अभी भी नहीं जानते। अब आप जानते हो कि हंटर गैदरर सोसाइटीज़ के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एंशियंट टाइम्स की। कुछ हंटर गैदरर सोसाइटीज़ आज की डेट में भी पाई जाती हैं। तो क्या आज की डेट की हंटर गैदरर सोसाइटीज़ बिल्कुल उसी तरीके से रहती हैं जैसे उस समय की हंटर गैदरर सोसाइटीज़ रहती थी? क्या कोई आप कह सकते हो कोरिलेशन है? हंटर गैदरर सोसाइटीज़ के साथ जो अर्ली इनकाउंटर्स हुए मैनकाइंड के अफ्रीका में, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एक अफ्रीकन पैस्टोरल ग्रुप था, उसका एक 1870 में किसी एक पर्टिकुलर अफ्रीकन ट्राइब के साथ एक हंटर गैदरर सोसाइटीज़ के साथ मिलाप हुआ। कुंगसाम नाम की एक हंटर गैदरर सोसाइटी सी कालाहारी रिजर्व में रहती थी। एक अफ्रीकन पास्टोरल ग्रुप वहाँ पहुँचा। अब ये जो अफ्रीकन पास्टोरल ग्रुप्स होते हैं ना, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, ताकतवर ट्राइब्स होती हैं। आपको पता है कि अफ्रीकन सोसाइटी ट्राइबल्स से डोमिनेटेड है और कुछ ट्राइबल्स काफ़ी लड़ाका होते हैं। तो ये जो अफ्रीकन पास्टोरल ग्रुप था, और ये ज़्यादातर शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह करते रहते हैं। ये एक जगह पहुँचे, वहाँ पे कुंगसान नाम की हंटर गैदर सोसाइटी थी। जैसे उस जगह पहुँचे, इन्होंने देखा कि जो सैंड में जो फुटप्रिंट्स थे, ये जो कुंगसान लोग थे, जैसे इन्होंने देखा कि एक अफ्रीकन पास्टोरल ग्रुप इनके पास आ रहे, लोग भाग के जाके बुश में छुप गए। एक्चुअली में जब ये अफ्रीकन पास्टोरल ग्रुप उस विलेज में पहुँचा तो विलेज में कोई दिखा नहीं। बाद में इनको पता चला कि ये विलेजर्स स्ट्रेंजर्स को देख के इतना डर गए कि बाद में जाके बुश में छुप गए। तो इस अफ्रीकन पेस्टोरल ग्रुप को पता चल गया कि ये लोग कमज़ोर हैं, डरे हुए हैं, वीक हैं, और इनके ऊपर आराम से रूल किया जा सकता है। तो इन्होंने इनके ऊपर रूल किया, ना ही कोई किलिंग हुई, ना ही कोई फाइटिंग हुई। तो आप कह सकते हो कि कोंगसान क्या थी? एक हंटर गैदर सोसाइटी थी। ये हंटर गैदर सोसाइटी का एक एग्जाम्पल है। अभी ज़रूरी नहीं है कि हंटर गैदर सोसाइटी सारी ऐसी ही पीसफुल रही हो, कुछ तगड़ी वायलेंट भी रही होगी। हादसा के बारे में बात करते हैं। अभी हम लोग कुछ हंटर गैदरर ट्राइब्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कुंगसा के बारे में बात की, उसके बाद हम लोग हादसा के बारे में बात करते हैं। हादसा भी एक प्रकार के हंटर गैदरर्स हैं। हंटर गैदरर्स का मतलब तो बिल्कुल प्रिमिटिव सोसाइटी, बिल्कुल ही पुराने तरीके से रहना। तो भाई स्पीयर से जानवरों को मार के खाना, ठीक है, बिना नमक डाले पका के खा गए, तो इस प्रकार के लोग। तो ये रहते हैं लेक यासा के वेसिनिटी में। ये जो हादसा नाम का आप कह सकते हो कंट्री है, बेसिकली जो प्रेजेंट डे तंजानिया है, वहाँ पे आता है ये हादसा के इलाका अफ्रीका में। तो यहाँ पे ड्राई वेदर है, रॉकी समाना है, थॉर्न स्क्रब्स हैं, अकाशिया ट्रीज हैं, वाइल्ड फूड यहाँ बहुत सारे हैं। वाइल्ड फूड मतलब एनिमल्स बहुत मिलते हैं यहाँ पे। एलिफेंट ले लो, राइनोसोरस ले लो, बफेलो, जिराफ, ज़ेबरा, वाटर बक, गजेल, वार्थॉक, बेबून, लॉयन, लियोपर्ड, हैना, सब है। फिर छोटे जानवर भी हैं जैसे पॉर्क्यूपाइन, हेयर जैकाल, टॉर्टोइस, मेनी अदर्स। अभी आप देखोगे यहाँ पे एलिफेंट को छोड़ के ये जो हादसा के लोग हैं सब कुछ मार के खाते हैं, और इतना मीट है इनके पास, मतलब इतने जानवर हैं कि ये मार के खाते रहे जानवर ख़त्म नहीं होंगे। मतलब ये जितना भी मार के खाते हैं और जितना जानवर नेचुरली पैदा हो रहे हैं उसके बीच का जो डिफरेंस है ना, जो एक्सेस जानवर पैदा हो रहे हैं, वो हर जगह से बाकी जगहों से बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि मान ली हादसा में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो 100 किलो जानवर मान के खा जाएं, लेकिन ये जो जानवर के मरने का रेट है इनके खाने की वजह से, नए जानवर पैदा होने का जो रेट है, ऑब्वियस सी बात है जो पैदा होने का रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो पैदा होने का जो बहुत ज़्यादा वाला रेट है वो जानवरों को नेचुरली रिक्यूपरेट करता रहता है। मतलब हादसा के लोग कितना भी मीट मार के खा जाए वहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। ये पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है, मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप खुद पढ़ो तो कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। फिर आगे बात करते हैं, वेजिटेबल फूड की भी हादसा में कोई कमी नहीं है। रूट्स, बेरीज, फ्रूट्स, बबूब ट्री, ऑब्वियस सी बात है आप देखोगे कि ड्राई सीजन के दौरान यहाँ पे जो हाइट होती है क्रॉप की वो थोड़ी सी कम होती है। वेजिटेबल जो फूड है वो वेट सीजन होता है 6 महीने का, वहाँ अलग मिलता है, जो ड्राई सीजन होता है वहाँ अलग मिलता है। तो आप देखोगे कि हनी,
ग्रब्स की 7 स्पेशीज इनको यहाँ पे खाया जाता है। सीजन टू सीजन, ईयर टू ईयर यहाँ पे क्रॉप्स बदलती जाती हैं, बट क्रॉप्स अवेलेबिलिटी बहुत है। तो चाहे नॉन वेजिटेरियन फूड हो चाहे वेजिटेरियन फूड हो, ठीक ठाक खाना सबके लिए अवेलेबल है। फिर जो सोर्सेज ऑफ वाटर है ये भी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वेट सीजन के दौरान तो यहाँ पे सोर्सेज ऑफ वाटर की कोई कमी नहीं है, थोड़ा बहुत ड्राई सीजन के दौरान कमी हो जाती है, ड्राई सीजन के दौरान पानी सूख जाता है। अगर आप तंजानिया देखोगे तो इंटरनल इलाकों में पड़ता है अफ्रीका के, ड्राई सीजन। फिर हादसा की बात की जाए तो भाई आप कह सकते हो कि अबाउट 5 to 6 किलोमीटर इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ओवर विच वाटर कैन रीजनेबल बी कैरीड एंड कैंप्स आर नॉर्मली सेटल विद इन अ किलोमीटर ऑफ वाटर सोर्स। हादसा के पास जो भी ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिकल नेटवर्क है उसके हिसाब से एक समय पे ये 5 से 6 किलोमीटर तक पानी को ट्रेवल करके दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। नॉर्मल कर कोर्सेज में जो भी कैंप्स होते हैं, जो भी आप कह सकते हो कि रहने की जगह होती हैं हादसा की, वो पानी से 1 किलोमीटर के आसपास ही होती हैं। और इस कंट्री में ओपन ग्रासेस, कहीं पे भी कोई भी कैंप बना सकता है। जो कैंप्स होते हैं वो या तो पेड़ों के बगल में या रॉक्स के बगल में, या पेड़ रॉक्स दोनों के बगल में बनाए जाते हैं। और ये जो हादसा है, खासकर ईस्टर्न हादसा, ये लैंड और रिसोर्सेज के ऊपर किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं करते। मतलब हादसा में रहने वाला कोई भी पर्सन किसी भी इलाके में जाके रह सकता है, जानवरों को मार के खा सकता है, रूट्स बेरीज हनी इकट्ठा कर सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जैसे आज की डेट में नॉर्म हो गया है कि एक पर्टिकुलर इलाका किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का है और उस इंडिविजुअल के इलाके में दूसरे नहीं घुस सकते, ऐसा कुछ हादसा में नहीं है। एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से कहीं पर भी रह सकता है, एनिमल को मार सकता है। एक्सेप्शन नंबर एनिमल्स वहाँ पे मीट जाना होने के कारण भी, फूड बाई वेट की बात की जाए तो 80% हादसा लोगों की जो डाइट है वो वेजिटेबल्स है, और मीट और हनी बाकी 20% है। ओके, जो कैंप्स हैं वेट वेदर में वाइडली डिस्टर्ब्स होते हैं, डिसबर्स्ड होते हैं, दूर दूर तक होते हैं, लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं, ड्राई सीजन आता है, तो जो कुछ अवेलेबल सोर्सेज ऑफ वाटर हैं उसके बाद जो इनके कैंप्स हैं वहाँ कंसनट्रेट हो जाते हैं। ये जो हादसा के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी गई ये 1960 में लिखी गई थी, किसके द्वारा? जेम्स वुडबर्न द्वारा, जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम भी अपने ही प्रकार का काम है। अब बात करो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की, तो कौन होते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई। वो जो एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी क्या है? इट इज़ अ डिसिप्लिन दैट स्टडीज ह्यूमन कल्चर एंड एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी। तो ये होता है भाई एंथ्रोपोलॉजिस्ट। फिर बात करते हैं हंटर गैदर सोसाइटीज़ की फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। फिर बात कर लेते हैं हंटर गैदर सोसाइटीज़ फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट। जैसे आप देखोगे जो प्रेजेंट डे हंटर गैदर सोसाइटीज़ है, अगर आप देखो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट केवल पुराने हंटर गैदर सोसाइटीज़ के बारे में नहीं, अभी के समय पे जो हंटर गैदर सोसाइटीज़ है उनके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि आज की डेट में जैसे ये हंटर गैदर सोसाइटीज़ रहती हैं, क्या इनके रहने के तरीके के बेसिस पे हम लोग एंशियंट हंटर गैदर सोसाइटीज़ के बारे में जान सकते हैं? इसके रिस्पेक्ट में दो अपोजिंग व्यूज़ हैं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे एक साइड क्या बोलता है, जो स्कॉलर्स होते हैं who have directly applied specific data from present day hunter gatherer societies to interpret the archaeological remains of the past। मतलब कि अभी के hunter gatherer societies के basis पे पुराने archaeological remains को पुराने समय के hunter gatherer societies के बारे में समझना। जैसे for example archaeologists ने suggest किया है कि जो homonous sites थी 2 billion years ago lake turkana के पास अफ्रीका में, वहाँ पे ड्राई सीजन कैंप्स लगा होते होंगे उस समय के अर्ली ह्यूमंस पे, और कुछ इस प्रकार की प्रैक्टिस आज की डेट में ये जो हादसा और कुंगसान ट्राइब्स हैं अफ्रीका के, ये भी प्रैक्टिस कर रही हैं। अभी 2 million years ago पहले होमोनिड्स ने जो किया उसको आज के हादसा और कुंगसान से कंपेयर करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कौन? ये सेट ऑफ स्कॉलर्स, जो कि ये सोचते हैं कि हाँ भाई आज की प्रेजेंट हंटर गैदर सोसाइटीज़ के पैटर्न्स को देख के पुरानी सोसाइटीज़ के बारे में जानना चाह सकता है। दूसरा यहाँ पे स्कॉलर्स क्या बोलते हैं, फिर कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि भाई एथनोग्राफिक डाटा को यूज़ करके, आज की सोसाइटीज़ के एथनोग्राफिक डाटा को यूज़ करके आप पास्ट सोसाइटीज़ के बारे में कुछ नहीं बता कर सकते। एथनोग्राफी क्या है? एथनोग्राफी होता है टू स्टडी द कंटेम्प्रेरी एथनिक ग्रुप्स, मतलब कि उस समय के एंशियंट टाइम की हंटिंग गैदर सोसाइटीज़ के बारे में जानने के लिए, अब आज की हंटिंग गैदर सोसाइटीज़ के बारे में जान के उनके मोड्स ऑफ लाइवलीहुड को देख के, टेक्नोलॉजी को देख के, जेंडर रोल्स को देख के, रिचुअल्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल कस्टम्स को देख के पुराने हंटर गैदर सोसाइटीज़ के बारे में जानने की कोशिश करो। तो यहाँ पे एक तबका स्कॉलर्स का ऐसा है जो बोलता है कि आज के एथनोग्राफिक डाटा को देख के आप एंशियंट समय पे हंटर गैदर सोसाइटीज़ क्या करती थी ये आप नहीं जान सकते। उसके बहुत से कारण बताए गए। आज की डेट में जो हंटर गैदर सोसाइटीज़ हैं वो जिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, पुराने समय पर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। एक्चुअली में हंटर गैदरिंग केवल नहीं करते आज के, आप कह सकते हो हंटर गैदर्स और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं।
प्लस भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल आज के हंटर गैदरर्स माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेचते हैं हमारे देश में भी, जो आप कह सकते हो बिल्कुल ही जंगल में रहने वाले लोग हैं वो ट्रेडर्स को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेचते हैं। ये लोग पेड़ लेबरर्स की तरह आसपास के खेतों में जाके काम भी करते हैं। तो कुल मिला के आज की डेट में जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी है वो पुराने समय से बहुत इवॉल्व होती हुई आई है। उनके जगहें तरीके हैं सब कुछ बदल चुके हैं, इनका शोषण भी काफ़ी हुआ है क्योंकि अफ्रीका और दुनिया भर के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो कॉलोनियलिज्म की प्रक्रिया से भी गुजरे हैं। तो बेसिकली ज्योग्राफी की पॉलिटिकली सोशली किसी भी प्रकार से आज की हंटर गैदर सोसाइटीज़ की स्टडी करके एथनोग्राफी के आधार पर आप एंशियंट समय की सोसाइटी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करो तो वो जो आइडिया है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लस बहुत ज़बरदस्त वेरिएशन है हंटर गैदर सोसाइटीज़ में, बहुत कन्फ्लिक्टिंग डाटा है। अलग अलग हंटर गैदर सोसाइटीज़ हंटिंग अलग अलग प्रकार की करते हैं, उनके ग्रुप साइज़ अलग हैं, उनका मूवमेंट का पैटर्न अलग है। ऑब्वियसली बात है कि उन हंटर गैदर सोसाइटीज़ में डिवीज़न ऑफ लेबर किस प्रकार से होता है इसके आधार पर आप ये नहीं पता कर सकते कि एंशियंट टाइम में क्या होता था। तो आज की हंटर गैदर सोसाइटीज़ में आप देखोगे कि नॉर्मली वुमेन गैदरिंग का काम करती हैं और मैन हंटिंग का काम करते हैं। कुछ सोसाइटीज़ में भाई मैन और वुमेन दोनों हंट करते होंगे, कुछ सोसाइटीज़ में पुराने में हो सकता हुआ हो कि वुमेन हंट करती हूँ मैन ना करते हो, कुछ भी नहीं कह सकते, हो सकता है वुमेन टूल्स बनाती हूँ। तो वी कैन नॉट से, इस पर्टिकुलर तबके का ये भी मानना है कि वी कैन नॉट से ऑन द बेसिस ऑफ टूडेज हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी कि पहले के समय में क्या होता था। तो बेसिकली मैन और वुमेन के रोल्स को भी सेग्रीगेट कर पाना मुश्किल है। उस समय पर मैन और वुमेन एग्जैक्टली क्या करते थे इसको भी हम प्रॉपर तरीके से पता नहीं कर सकते। फिर फाइनल टचेस देते हैं, सेवरल मिलियन ईयर्स तक हमने देखा है कि ह्यूमंस वाइल्ड एनिमल्स को मार के जिए, वाइल्ड प्लांट्स को गैदर करके जिए। फिर 10,000 से लेकर 4500 साल पहले अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में लोगों ने प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीखा, फार्मिंग का डेवलपमेंट हुआ, पैस्टोरलिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ इवॉल्व हुआ, मतलब कि एक जगह पर रुक के कुछ एनिमल्स को पाल के उनके मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रयोग करना, ठीक है, फार्मिंग करना, नए नए क्राफ्ट्स को उगाना। तो पहले जो इधर उधर भाग भूख के स्केवेंजिंग करके फॉरेजिंग करके जीते थे अब फार्मिंग करके सेटल्ड लाइफ जीने लगे। और ये मेजर पॉइंट था, मेजर टर्निंग पॉइंट था ह्यूमन हिस्ट्री में। और इस मेजर टर्निंग पॉइंट के बाद जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी है उनको कभी भी पहले की हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी से आप कंपेयर नहीं कर सकते। अब समझना ये है कि सेटल्ड वे ऑफ लाइफ आई कब, ये आई लगभग 13,000 साल पहले। आप बोलोगे 13,000 साल पहले क्या हुआ, 13,000 साल पहले ख़त्म हुई आपकी आइस एज। ये जो आइस एज थी, इस आइस एज में काफ़ी ठंडी थी और ठंडी के समय पे जो लिविंग पैटर्न्स होते हैं काफ़ी हार्श होते हैं। आइस एज जब ख़त्म हुई तो वार्मर और वेटर कंडीशंस आई, वार्मर कंडीशंस के चलते लिविंग कंडीशंस थोड़ी और बेहतर हुई और वेटर कंडीशंस के चलते पानी का एक्सेस हुआ, मॉइस्चर का एक्सेस हुआ, जिसके चलते ग्रास, बारले, वीट, फॉरेस्ट ये सब और बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, ओपन फॉरेस्ट उगे, ग्रास लैंड एक्सपैड हुए जिसमें बहुत सारी अलग अलग एनिमल स्पेशीज भी इवॉल्व हुई, वाइट शीप, कैटल, गोट, डोंकी, पिग, इन सब की आबादी बढ़ी। और ह्यूमंस भी उन्हीं जगहों में रहना पसंद करते हैं जहाँ के एनिमल्स की आबादी ज़्यादा हो, आप कह सकते हो ग्रासेस हो, पानी का प्रॉपर स्रोत हो, ज़्यादातर साल में वहीं पे आप कहोगे कि सेटल्ड ह्यूमंस रहना पसंद करेंगे। अब किसी पर्टिकुलर इलाके में जो कि बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा हो सकता है वहाँ पर बहुत सारे लोग जाके रहने लगे, फूड सप्लाई पर प्रेशर पड़ जाए, लैंड की ओनरशिप डिक्लेयर करने लगे, लोग लैंड के लिए आपस में लड़ने लगे, ये सब भी आप देखोगे आगे आने समय में पैटर्न इवॉल्व होने लगेंगे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक और प्रोसेस हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शुरू हो गया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, पालतू बनाना, और प्लांट्स को पालतू, मतलब प्लांट्स कैसे पालतू कि पहले वाइल्ड एरियाज में प्लांट अपने आप उग जाया करते थे, तो हाजदा सोसाइटी के लोग अपने आप कोई प्लांट लगा नहीं रहे थे, अपने आप प्लांट पैदा हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे प्लांट को प्रॉपर तरीके से उगाया जा रहा था, इसको बोला जा रहा है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। फिर बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स थे जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन प्रेशर और ग्रेटर रिलायंस एंड नॉलेज ऑफ अ फ्यू स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट प्लेड अ रोल इन द फॉर्मेशन, मतलब कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सेटल्ड लाइफ की तरफ, पैस्टोरलिज्म की तरफ, ये किसके दम पे हुआ कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा था, पॉपुलेशन का प्रेशर था, ओके तो ये सोचा गया कि भैया प्लांट्स की स्पेशीज उगाओ, तो वीट की स्पेशीज, बारले, राइस, मिलेट ये सब उगाए जाने लगे, एनिमल्स जैसे शीप, गोट, कैटल, डोंकी, पिग ये सब रियर किए जाने लगे, जिनको ऑर्गेनाइज तरीके से जिनके मीट को इस्तेमाल के खाया जाने लगा। फिर आप देखोगे कि फार्मिंग और पैस्टोरलिज्म के लिए
एक इलाका इस समय भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ लगभग 10,000 साल पहले, जिसको बोला गया फर्टाइल क्रेसेंट। मेडिटेरेनियन सी से लेके ज़ाग्रोस माउंटेन तक का जो इलाका है, जिसमें बीच में टर्की और इराक जैसे देश आते हैं, सीरिया भी आता है, यहां से निकलता था ये फर्टाइल क्रेसेंट नाम का इलाका। फिर एग्रीकल्चर के आने के साथ साथ एक जगह पे बहुत लंबे समय तक लोग स्टे करके रहने लगे, उन्होंने अपने परमानेंट हाउस बनाए। पहले हाउस झोपड़पट्टी के थे, थैचर्स के थे, फिर धीरे धीरे मिट्टी के बने, मिट्टी से मड ब्रिक्स आ गए, मड ब्रिक्स से बाद में स्टोन आ गए। ओके, और बेसिकली इनके आधार पे ये स्टोन और ये मड ब्रिक्स आज तक जो सर्वाइव कर रहे हैं उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट पता कर पाए कि यहाँ पे भाई कहीं कभी किसी समय पे कोई रहा होगा। फार्मिंग और पैस्टोरलिज्म के चलते कुछ और चेंजेस हुए, जैसे कि पॉट्स बनाए गए ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है, फिर फूड को कुक करने के लिए भी यहाँ पे पॉट्स बनाए गए। नए नए प्रकार के स्टोन टूल्स यहाँ पे आने शुरू हो गए। फिर कुछ और नए टूल्स आए, जैसे कि प्लाउ आया, एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल होने लगा। ग्रेजुअली जो लोग थे वो मेटल्स के साथ फेमिलियर हो गए, जैसे कॉपर के साथ फेमिलियर हो गए, टिन के साथ फेमिलियर हो गए। व्हील का प्रयोग किया जाने लगा पॉट मेकिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में। 5,000 साल पहले आप देखोगे लार्जर कंसंट्रेशन ऑफ पीपल रहने लगे शहरों में। ओके, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग थीम टू में बात करें। 5,000 साल पहले लार्जर कंसंट्रेशन ऑफ पीपल जब शहरों में रहने लगे, ये कैसे हुआ? और इसके बाद आप देखोगे कि जो शहरों में सेटलमेंट इवॉल्व होंगे और जो आप कह सकते हो बाकी जगहों पर सेटलमेंट होंगे, इनके फर्क को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में एक्चुअली में खंगालेंगे। तो ये जो टाइमलाइन है ये आप देख सकते हो, 36 से 24 मिलियन ईयर्स को पहले क्या था? प्राइमेट्स थे, मंकीज थे एशिया अफ्रीका में। 24 मिलियन ईयर्स पहले क्या आ गए? होमोनॉइड्स आ गए, गिबॉन्स आ गए, अफ्रीकन एप्स आ गए। 6.4 मिलियन ईयर्स पहले क्या आ गया? होमोनॉइड्स और होमोनिड्स। फिर 5.6 मिलियन ईयर्स पहले क्या आ गए? ऑस्ट्रेलोपैथिकस। 2.6 से लेके 2.5 मिलियन ईयर्स पहले क्या आ गए? अर्ली स्टोन टूल्स। 2.5 से 2 तक क्या आ गए? कूलिंग एंड ड्राइंग ऑफ अफ्रीका, जिससे वुडलैंड कम होंगे, ग्रासलैंड्स इंक्रीज होंगे। 2.5 से 2 मिलियन ईयर्स पहले क्या आ गए? होमो। 2.2 मिलियन ईयर्स पहले होमो हैबिलिस। 1.8 मिलियन ईयर पहले होमो इरेक्टस। 1.3 मिलियन ईयर पहले ऑस्ट्रेलोपैथिकस का एक्सटेंशन। 0.8 मिलियन ईयर पहले आर्काइक सेपियंस, होमो हाइडलबर्जेनेसिस। और 0.19 से 0.16 मिलियन ईयर्स पहले होमो सेपियंस, जिनको आप बोलते हो मॉडर्न ह्यूमन। फिर कुछ और टाइमलाइन है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ बर्लियस, दुनिया भर में लोगों को दफनाने के जो सबसे पहला साक्ष्य मिला है वो 3 लाख साल पहले मिला है। होमो इरेक्टस का एक्सटेंड हुआ 2 लाख साल पहले। वॉइस बॉक्स कब डेवलप हुआ ह्यूमंस में? 2 लाख साल पहले। आर्काइक ह्यूमन स्कल्स, ह्यूमन सिमेंस के जो स्कल्स थे नर्मदा वैली मिले, वो कब के थे? 2 लाख साल से लेके 1,23,000 साल पहले के। मॉडर्न ह्यूमंस कब इमर्ज हुए? 1,95,000 से 1,60,000 साल पहले। उसी प्रकार से कुछ आप कह सकते हो यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ हर्थ्स 1,25,000 साल पहले। स्विंग नीडल्स का इन्वेंशन 21,000 साल पहले। अब ये जो एंशियंट हिस्ट्री के सवाल हैं, किसी एनसीईआरटी में, मतलब किसी यूपीएससी के एमसीक्यू में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि इन्फॉर्मेशन आपको कितनी याद रहती है और उस समय एग्जाम में आप कितना एलिमिनेशन कर पाते हो। ये आपको रिफ्ट वैली नजर आ रही है, अफ्रीका की रिफ्ट वैली। क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे एक पहाड़ दिख रहा है, ये जो पहाड़, और इस तरफ चले जाएंगे तो और पहाड़ दिखेंगे। रिफ्ट वैली में एक्चुअली में क्या होता है कि नीचे की टेक्टोनिक प्लेट टूटी होती है, वो नीचे टूट जाती है, धरती फैलने लगती है, इसके चलते दो ब्लॉक माउंटेन्स ऊपर की तरफ उठे हुए नजर आते हैं। तो बीच की धरती नीचे चली गई होती है, इसलिए वो माउंटेन्स उठे हुए नजर आते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है ब्लॉक माउंटेन्स। और नीचे की जो धरती है ये एक्सपेंड करी तो नीचे प्लेन सा मिल जाएगा, हो सकता है उसमें कोई नदी बह रही हो, और बगल के जो ऊपर उठा हुआ स्ट्रक्चर होगा उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो ब्लॉक माउंटेन्स। तो ये था चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया, जल्दी चैप्टर नंबर 2 से मैं आपसे मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।